हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा EDS Pro 8 के बारे में। EDS Pro 8 एक नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। जब हम इसको यूज करते हैं तो इसमें काफ़ी फास्ट एडिटिंग होती है, जिसमें हम HD और 4K की भी एडिटिंग कर सकते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या रखनी चाहिए, जिसके की फीचर जो हैं ये हमारे, आप इसमें 4K फ्लो में भी काम कर सकते हैं और HD फॉर्मेट में भी। हाई क्वालिटी का वर्क भी आप कर सकते हैं। सपोर्ट जो ये करता है, थर्ड पार्टी जो ग्राफिक कार्ड होते हैं ये इनको सपोर्ट करता है। ये हार्डवेयर जो आपके होते हैं, ब्लैक मैजिक कार्ड होता है, एक मेट्रोक्स का होता है और एक आजाकोनो का कार्ड होता है। इसमें एडिट मीडिया फाइल जो है आपकी 2K और 4K की फाइल्स आप यूज कर सकते हो। बाकी 24x24 में भी आप काम कर सकते हैं। रियल टाइम कन्वर्सेशन फ्रेम रेट्स जो होता है आपका सेम होता है इसमें। ये काफ़ी फास्ट फ्लेक्सिबल होता है और इसका इंटरफेस जो होता है वो अनलिमिटेड वीडियो को स्टोर कर सकता है, यानी कि अनलिमिटेड वीडियो पर हम काम कर सकते हैं। सपोर्ट जो करता है ये, वो लेटेस्ट फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जैसे सोनी कैमरा है, कैनन रो है, सोनी एक्सवेज है और इंटरेस्ट ग्रो, अलग अलग टाइप के कैमरे हैं इसमें। वर्क फ्लो जो होता है इसका काफ़ी डिफरेंट फॉर्मेट में होता है, इंक्लूडिंग जैसे हम सोनी HD कैम और पैनासोनिक P2 के आदि कैमरे यूज करते हैं, तो उसकी मूवी के फॉर्मेट को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें एक और डिफरेंट फंक्शन दिया हुआ है, मल्टी कैम एडिटिंग, जो कि बहुत ईजिली इसमें हो जाती है। अलग अलग लेयर बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें इम्प्रूव जो है MPEG डेकोडर एंड एनकोडर दोनों की फैसिलिटी इसमें दी हुई है, जो कि हमारे 6 और 7 में नहीं थी। 4K को हम MP4 फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं उसकी आउटपुट को। अब आगे हम देखेंगे इसमें स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी स्टैंडर्ड लोन होती है, जिसमें हम OS जो इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट जो होती है इसकी, विंडोज़ 7 64-bit सर्विस पैक होनी चाहिए और लेटर विंडोज़ 8 और 10 पे भी हम काम कर सकते हैं। इसके लिए CPU ये क्या होता है, इंटर कोर टू डुअल AMD कोर CPU और प्रोसेसर और फास्टर मल्टीपल CPU जो भी हम यूज करना चाहते हैं। कम से कम इसमें जो मेमोरी होनी चाहिए आपकी, 4 GB रैम होनी चाहिए इसमें कम से कम, जो आपको सपोर्ट करती है। उससे नीचे अगर आप इसको यूज करते हैं तो 4 GB से नीचे यूज ना करें, क्योंकि उसमें ये चलेगा नहीं। उसके बाद में आपका ये आता है आपका रिक्वायरमेंट, जो रैम की जो मेमोरी होती है डिपेंड करती है ऑन द आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, कि HD प्रोजेक्ट में काम करना है आपने, HD प्रोजेक्ट में काम करना है या 4K प्रोजेक्ट में काम करना है। 4K प्रोजेक्ट के लिए आपको कम से कम 8 GB की रैम यूज करनी होगी, उससे कम में अगर आप काम करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 64-bit 512 MB और विंडोज़ 8 128 GB की रैम का आप यूज कर सकते हैं। विंडोज़ 7 होम बेसिक में भी काम कर सकते हैं और विंडोज़ 7 होम प्रीमियम जो 64-bit है उसमें आप 4K के प्रोजेक्ट का यूज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फॉर्मेट जो रेजुलेशन होती है आपकी, रेजुलेशन HD में काम कर सकते हैं आप, इसमें HD फॉर्मेट में काम कर सकते हैं ये देखिए, और ओवरव्यू 4K में आप इसमें काम कर सकते हैं 10 bit। मिनिमम जो रैम रिक्वायरमेंट होगी इसमें 8 GB 4 GB के करीब होगी, 16 GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ग्राफिक कार्ड, जो भी आपके सपोर्टिंग हायर रेजुलेशन के जो कार्ड होते हैं वो इसको सपोर्ट करेंगे, और ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट यूज करना चाहते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है, आप इसको इंस्टॉल करने के लिए, विंडोज 8 प्रो को लोड करने के लिए मिनिमम जो है 6 GB का ये स्पेस लेता है, और ड्राइव फुटेज के लिए आप इसमें कितना भी यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर जो ये सपोर्ट करेगा, EDS Pro 8 सपोर्ट ग्रॉस वैली हार्डवेयर है, जो कि स्ट्रॉम 3G फाइल, 3G स्ट्रॉम फाइल और स्ट्रॉम मोबाइल पे इसका यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव के लिए आजकल ब्लू रे डिस्क मार्केट में जो चल रही है, यानी कि वो एक
4 GB DVD से भी बड़ी ड्राइव चल रही है, जिसमें हम काफ़ी डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वो भी इसमें राइट कर सकते हैं, DVD भी राइट कर सकते हैं। साउंड कार्ड अगर आप यूज करना चाहते हैं, साउंड कार्ड को भी ये सपोर्ट करेगा और नेटवर्क को भी सपोर्ट करेगा। सर्विस एंड सपोर्ट की इसकी 90 दिन की वारंटी आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई ट्यूटोरियल ऑन द यूट्यूब चैनल। देखते रहिए और सीखते रहिए।